सात गेंदों में करेंगे आगे निकल कर खेल और कैसे यहाँ पर जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था गुलपुर और पुंछ के सारे लड़कों के लिए और जिससे कि इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है जिसके लिए मैं सबको हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं और सबसे ज़्यादा विनर्स को जलास वॉरियर्स को जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से ये खिताब जीता है और मैं यही गुजारिश करता हूँ सारे लड़कों से कि इसी तरीके से मेहनत करें और अपने हुनर को और चमकाएं और अव्वल तरीके से सारी कार्रवाइयां करें। थैंक यू। नाम मुशर्रफ शीर सर। देखो जी एलओसी से पहले जब हम छोटे थे तो बहुत ज्यादा हालात खराब थे तो काफी टाइम से देखते गोलाबारी अक्सर होती रहती थी हमारी काफी लोगों की जाने भी गई है और हमारे जो जवान शहीद हुए बहुत ही ज्यादा हुई हमें इस चीज का अफसोस रहता है कि हम बॉर्डर पे रहते चलो अच्छी बात है लेकिन ये हमारे जो एरिया है वो डेंजर एरिया बन रहता है एलओसी का लेकिन जो इंडियन आर्मी ने अपना जज्बा दिखाया हमारा हमारे साथ रहती है और ऐसे टूर्नामेंट यहाँ पे लाने के लिए बिलीव करना मुश्किल है लेकिन जो आर्मी ने कर दिखाया और इसलिए दिल से गहरे से शुक्रिया करते हैं आज हमारी टीम ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया पहले भी कराया था पिछले साल टूर्नामेंट और मैं चंडीगढ़ प्रैक्टिस करता हूँ इंडियन आर्मी मैंने वहाँ से जब सुना कि आर्मी टूर्नामेंट करवा लिया मैं अकेडमी से फौरन चंडीगढ़ से आया इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशनल लेवल पर खेलते हैं बट जो इधर गाँव में इतनी अच्छी क्रिकेट दी है आर्मी ने आई होप ये हमें चंडीगढ़ में भी ऐसी क्रिकेट मिलती इतना फैंस होती इतना क्राउड होता है और इतना लोगों का हमारे साथ सपोर्ट होता है और यूथ भी आगे और आगे भी हम हिंदुस्तान इंडियन आर्मी के साथ हमेशा साथ रहेंगे ताकि हमारी आर्मी हमारा सब कुछ है आर्मी के बिना आज हम बॉर्डर पे रह सकते हैं हम घरों में आराम से रात को सोते हैं हमारे जवान बॉर्डर पे जाते हैं और बहुत ही बहुत इंडियन आर्मी का दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया और बहुत अच्छा थैंक यू सो मच। एलओसी युवाओं के लिए इंडियन आर्मी ने ये एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया क्योंकि हमारा जो लोकल यूथ था उसको खेलने का मौका बहुत कम मिलता था हमारे पुंछ के ग्राउंड्स में और इससे हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं वो उभर के सामने आए तो मैं सल्ला बटालियन का और पूरी इंडियन आर्मी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया इससे जो हमारे युवा है वो ड्रग्स और दूसरी लत में नहीं लगेंगे और ग्राउंड की तरफ उनका रुझान जो है ज़्यादा रहेगा। पास इंडियन आर्मी की तरफ से सल्ला बटालियन ने जो यहाँ पे मैच कराया जिसकी तमाम यहाँ के लोगों ने यहाँ की आर्मी ने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने और खासकर यूथ ने जो साथ दिया और ये जो मैचेस कंडक्ट कराए यहाँ से 2 किलोमीटर पर बॉर्डर है तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाए पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में कि यहाँ पे देखो बॉर्डर पे रह के लोग जो हैं वो माइल नहीं है ड्रग्स की तरफ वो माइल नहीं है किसी ऐसी एक्टिविटीज की तरफ जिससे देश को नुकसान हो ये कैडर यहाँ की आर्मी को जाता है कमांडर साहब को जाता है ड्यूटी कमांडर साहब को जाता है और यहाँ के जितने भी सल्ला जो ये चालीस उनको जाता है और उसके साथ साथ मैं अफरीदी साहब उसकी टीम को और यहाँ के ऑर्गेनाइजर को और मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि यहाँ पे आके यहाँ पे मैच कंडक्ट करना इसको लाइव पे देना लोगों को दिखाना हिंदुस्तान को दिखाना ये एक बड़ा कारण जाता है। हम चाहेंगे कि आइंदा ऐसे मैचेस और भी हो क्रिकेट भी हो कबड्डी भी हो कुश्ती भी हो वॉलीबॉल हो क्योंकि ये यहाँ के लोग जो बड़े जखेज हैं ये खेलने के आदि यहाँ के प्लेयर्स अच्छे लोग हैं यहाँ के यहाँ पे टैलेंट है तो आओ मिलजुल के हम यहाँ पे एक अमन शांति भाईचारा इत्तेफाक रखें और अपने बच्चों को खेलने के लिए जागरूक करें ड्रग्स से पाक रहें और आर्मी एम रोल अदा कर रही है ड्रग्स से सिक्योरिटी फोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन रोल अदा कर रही है अच्छा कि ये ड्रग्स से मुक्त हो और हमारे देश की जो है उसकी हिफाजत हो। आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।